So, where are we, Siddharth? Parak. Oh my god, Parak. And do you know what Parak is? Yes. Hi friends, so this is Sarthak and my son Siddharth on Chow Down, my lane. And we are on a lovely morning in Kolhapur. And we started from Pune yesterday, reached Kolhapur in the evening. Had a lovely meal at the Citrus Hotel at this restaurant, a Punjabi meal. And आज हम कोल्हापुर आए तो हमें सबसे पहले किधर आना था? पारक. So guys, the people we asked the best place to eat in Kolhapur had to be this lovely place which serves some amazing non-veg thalis. अपने कोल्हापुरी थाली के लिए especially the mutton and the chicken thali, it's absolutely famous और बहुत बहुत popular है. So are we ready? Yep. So we are ready to go and taste. And we are ready for our trip. So I hope you guys are ready for this lovely adventure that we are starting. So let's go and taste some lovely food. Come on. तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ फाइनली आफ्टर 250 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे और मैं अभी खड़ा हूँ परख के अंदर और मेरे साथ हैं परख के ओनर. आज क्योंकि वीकडे है तो मैं इनको पकड़ पाया क्योंकि वीकेंड पे इनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जगह पूरी भरी रहती है. बट आज दोपहर में हमने इनको पकड़ लिया है और ये खुद आपको बताएंगे और इतने हज़ारों लाखों लोग जो इनको देखना और मिलना चाहते थे आज ये आपको बताएंगे कि ये फेमस रेस्टोरेंट कब इन्होंने शुरू किया, क्या स्पेशलिटी है इस थाली की कि पूरी दुनिया इसकी फैन है. और हम आपको अभी ये थाली दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या सर्व होता है. तो संदीप जी, वेलकम टू चाव डाउन माय लेन. और अब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि परख में ऐसा क्या जादू है कि ये शानदार खाना आप देते हैं और कब से चल रहा है और क्या खास बात है आपके खाने की? हमारा तो 1994 में चालू हुआ. अच्छा. एक छोटा सा एक झोपड़ी था, झोपड़ी से यहाँ तक हम आ गए हैं. अभी एक 20,000 स्क्वायर फुट का होटल. 20,000 स्क्वायर फुट और एक बारी में कितने लोग बैठ के खा सकते हैं? 250 लोग. 250 लोग आराम से खाते हैं. यहाँ पे फैमिली सेक्शन अलग है और जेंट सेक्शन अलग है. अच्छा. तो फैमिली के लिए अलग है, सिर्फ मेल सेक्शन अलग है, तो सब आपने अलग सेक्शन बना रखे हैं. अरे वाह. तो नॉर्मली वीकेंड पे एक साथ 250 लोग खाते हैं और कितने लोग बाहर वेट करते हैं? वो तो 100-200 तो वेटिंग ही रहता है. तो ऐसी क्या खास बात है परक के खाने में? और आप पहले बताइए क्या क्या सर्व करते हैं यहाँ पे? तो थाली सिस्टम है हमारे यहाँ. ओके. एक मटन थाली. ओके. चिकन थाली, वेज थाली और अंडा करी थाली. इतना ही चार थाली है. ओके. और उसमें जो हमारे यहाँ का स्पेशल जो है वो व्हाइट रसा और रेड रसा. अच्छा. व्हाइट और रेड. और उसको बोलते क्या है? तमड़ा रसा और पांडा रसा. ये हमारे यहाँ का स्पेशल है. और मटन जो सूखा मटन जो है ये हमारे यहाँ स्पेशल है. बहुत ही स्पेशल है. तो वो दोस्त आप गूगल पे भी करेंगे मटन और पांडा रसा और दूसरा कौन सा बताया आपने? तमड़ा रसा के बारे में. तो आई थिंक सबसे पहले नाम परख का ही आता है.
तो आप भी बताइए, वेज और नॉन वेज में आप क्या, कितने लोग आ जाते हैं, वेज वाले या नॉन वेज वाले? हमारे यहाँ वेज थोड़ा कम चलता है, वेज थाली सिस्टम है, थोड़ा कम रहता है, लेकिन नॉन वेज तो बहुत फेमस है। और उसके साथ आप और क्या देते हैं पीने को? सोलकड़ी रहता है। सोलकड़ी रहता है, चपाती चला है, थाली में चपाती आता है, ओके, मटन आता है, अच्छा, कीमा आता है, अच्छा, और राइस, और भाकरी भी मैं देख रहा हूँ, भाकरी भी आता है, जौहरी की भाकरी आती है। तो आइए हम चलें थाली में, आप एक बार हमें बताएंगे कि क्या क्या है और क्या क्या सर्व होता है इन थाली में। तो दोस्तों ये है वो स्पेशल थाली, और इसमें क्या क्या आता है ये आपको खुद संदीप जी बताएंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये क्या क्या स्पेशल है। तो इससे शुरू करें क्या संदीप जी? हाँ। इस थाली में क्या क्या है और ये कौन सी थाली है? ये चिकन थाली है। ये चिकन थाली है। इसमें चपाती, इसमें एक चपाती, ये रेड रसा, तांबड़ा रसा, ये तांबड़ा रसा है। अच्छा, तांबड़ा रसा में क्या होता है और ये कैसे बनता है? ये मिर्ची पाउडर होता है ना, हाँ, उससे बनता है। अच्छा, और ये स्पाइसी होता है? थोड़ा स्पाइसी रहता है। ओके, तो इसे बोलते हैं तांबड़ा रसा। और तो ये स्पाइसी वाला है तांबड़ा रसा, फिर ये नेक्स्ट जो है व्हाइट वाला, ये पांडा रसा, ये पांडा रसा, ये कैसे बनता है? ये नारियल कोकोनट जो होता है, ये कोकोनट से, तो ये माइल्ड होता है, ये माइल्ड रहता है, ये माइल्ड रहता है। ये जो रसा है ना, ये कोल्हापुर में मिलेगा, बाहर की इधर नहीं मिलेगा। ओके ओके ओके। सो दोस्तों ये यही वो रसा है जो कोल्हापुरी थाली को और बाकी दुनिया की सारी थालियों से अलग करता है, पांडा रसा और तांबड़ा रसा। ओके, तो चिकन थाली में एक सूखा चिकन, एक करी या एक मसाला, और दोनों रसा, चपाती, और उसके साथ राइस और नींबू, और उसके साथ राइस, मसाला राइस बोलते हैं, ये मसाला राइस बोलते हैं, चिकन मसाला राइस, फैंटास्टिक। और वो दूसरी थाली पे अगर हम आते हैं तो दूसरी थाली में मेरे ख्याल से पांडा रसा, तांबड़ा रसा तो कॉमन हो गया, एक कीमा आएगा, मटन का कीमा। ओह, ये मटन कीमा है, ओ वाओ। तो ये मटन कीमा और जो चिकन सूखा देखा है हमने, वो सब आप रोज यही बनाते हैं? रोज रोज, जो अभी हम लोग किचन में एक राउंड मार के आए दोस्त, ये वहीं पे रोज बनता है, और उसके साथ सूखा मटन, और ये वो मोस्ट वर्ल्ड पॉपुलर सूखा मटन, और इसके साथ आपने हमको दिया है भाकरी। ओके, ज्वारी का भाकरी होता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसके साथ रोटी भी ले सकता है, चपाती भी ले सकता है, और वही साथ में मसाला राइस। हमारे यहाँ चपाती और राइस, तांबड़ा रसा, पांडा रसा अनलिमिटेड रहता है। ओ, ये ओ, कितना भी खाइए। ओ, ओ, तो ये अनलिमिटेड है, हम कितना भी खा सकते हैं। जो दोस्तों मेरा सबसे पॉपुलर ड्रिंक है, आई थिंक इफ आई हैव टू कैटेगराइज द ड्रिंक्स, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द कलर। दोस्तों ये रूह अफजा शरबत नहीं है ये एक बहुत ही स्पेशल महाराष्ट्रियन ड्रिंक है, और ये है संदीप जी बताएंगे, ये सोलकड़ी, सोलकड़ी, और सोलकड़ी जिनको मालूम है, मैं देखता हूँ मेरा कितना नॉलेज है, मेरे ख्याल से दही और कोकम और कोकोनट वाटर से बनता है। कोकोनट दही नहीं रहता है, वो दही नहीं होता है क्या? सिर्फ कोकोनट वाटर और कोकम। ओके, और गार्लिक मेरे ख्याल से लहसुन भी पड़ता है, थोड़ा सा गार्लिक पड़ता है, मेरे ख्याल से पेट के लिए आई थिंक ये बहुत ही अच्छा, पचन के लिए बहुत अच्छा। और ये भी थाली के साथ मिलता है या ये अलग से ले, अलग से ले सकते हैं? ओके, तो एक चीज और बताइए संदीप जी कि ये चिकन थाली और ये मटन थाली का रेट क्या है? मटन थाली 250, मटन थाली 250 और चिकन थाली 230, 230 रुपए में, और जिसमें पांडा रसा, तांबड़ा रसा और चपाती और भाकरी आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। दोस्तों तो जैसे मैंने बोला ये है चिकन और मटन थाली जो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन फॉर माय वेजिटेरियन फ्रेंड्स यहाँ पे वेज थाली भी अवेलेबल है, और वेज थाली में क्या क्या मिलेगा वो भी संदीप जी बताएंगे। तो संदीप जी वेज थाली में क्या क्या रहता है? दो सब्जी रहता है, दो सब्जी, ओके, एक आमटी रहता है, एक आमटी रहता है, दाल फ्राई जैसा रहता है, हाँ हाँ हाँ, चपाती आएगा, एक स्वीट आएगा उसमें, अच्छा, एक दही आएगा, ओ, चटनी आएगा। अच्छा, तो मतलब उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि आदमी ट्राई करना चाहेगा। नहीं तो आप दोस्तों में से जो यहाँ के वेज खाता है वो प्लीज मुझे फोटो और वीडियो भेजिए, और उसको हम अपने वीडियो में ट्राई करेंगे इनकॉर्पोरेट करने का। तो अब हम ये थाली टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मजा आता है। आपके अवार्ड्स की कोई गिनती नहीं होगी, लेकिन कुछ व्यूअर्स को और बताइए और कौन कौन से अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं। तो एक तो बेस्ट कोल्हापुर रेस्टोरेंट, कोल्हापुर रेस्टोरेंट, ब्रांड एकेडमी न्यू दिल्ली,
अच्छा एक भुवनेश्वर उड़ीसा का और मेरा है ओके ट्रैवल एक्सप्रेस वाले भी आके गए हैं एनडीटीवी वाले भी आके गए हैं ठीक है तो मिलिंद गुना जी का एक भटकंती कार्यक्रम था हां तो मिलिंद गुना जी सर भी आए कि आके गए वाह 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 तो चलिए जी महाराष्ट्रियन का एक न्यू चैनल है उसका भी अवार्ड मिला है तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ वो थाली टेस्ट करने जो अभी हम आपको दिखाया एक गरम गरम चपाती बनते आई है और ये रसा के साथ तो मैं पहले कीमा ट्राई करता हूँ जो मटन कीमा दिस इज एब्सोल्युटली हेवनली चिली जैसे कोल्हापुर का टेस्ट है स्लाइटली ऑन द चिली साइड तो इसमें शायद लाल मिर्च है और हरा मिर्च लेकिन क्या फ्लेवर्स व्हाट अमेजिंग फ्लेवर्स आई एम गेटिंग ऑफ मटन एंड लेट मी ट्राई देयर वर्ल्ड फेमस एंड आई गॉट अ वंडरफुल पीस ऑफ लिवर What mutton guys, oh lovely, oh this is absolutely outstanding, I can just keep having this and not anything else, so I have this mutton, let me take a little bit of this keema, oh पांड्रा रसा द तांब्रा रसा वाह आई हैव हैड सो मेनी थालीज वी हैड द मेगा मेजर बाहुबली थाली विच वाज एन एब्सोल्यूट पंजाबी डिलाइट वी हैड द राजस्थानी थाली विच वाज अमेजिंग राजस्थानी फूड Now with the Kolhapuri Thali and debatably or undebatably the best Kolhapuri Thali that you will get in the world or India for sure. This is insanely good. This is so, so good. My God, I can really, it's so difficult for me to explain to you how good the tastes are in this Thali. And let me try the chicken thali as well. So guys, I will definitely go back to the mutton thali, but let me try this chicken thali because this also looks just as amazing as it was. So the rasas are common. And in this thali, I have the bhakri. So let me try the bhakri and the egg masala. So we got the egg masala. It's lovely hard boiled egg. And in this curry, As good. So somebody asked me, this is better or the keema? Very difficult. And now let me try this chicken masala. The very famous chicken masala, like the mutton. And I've got my glass of the soul curry. Oh, there could be nothing better than this drink in a summer on a summer afternoon. It is so, so good. This is just coconut water and kokum with a little bit of garlic. This is so soothing, this is so very soothing and it's so digestive and very good for the stomach. So I carry on with my chicken masala. The chicken masala is as good as the mutton. So if you really ask me to choose between a mutton and a chicken, very difficult for me to rate anything better than the other. It's just now a matter of personal choice. If you like mutton, perfect. If you like chicken more, go for this. But the egg curry and the keema
The chicken keema was just amazing, and the best part, or the best thing that stands out in a Kolhapuri Thali are these two dishes. Is the pandra, which is the white gravy, and the tambra, which is the brown. I have been checked on this so many times because I always tend to confuse. But now I have learned the pandra is white and the tambra is brown. So somebody said tamba brown and somebody said pandra white. So I said, I okay. And I think my conception of Kolhapuri food being so, so spicy is completely, completely gone for a toss. It's not very chilly or not overtly spicy. This has so many flavors in it. Every dish has a very distinct, different flavor. And this is so good, so good. And now I understand why this place has been the favorite of so many people for the last so many years. Guys, let me go ahead and finish these thalis. I'm sure I have a blast today with these thalis. So, all my Kolhapur guys, or people traveling to Kolhapur, the Parak Hotel is where you have to come. So guys, along with this, the masala rice. Let me just have the a bite of rice first. This itself is oozing with flavors. Well, let me put a little bit of keema. And what do you see? These brown, these are onions, fried onions, and they are used for garnish. And they're so, so lovely. And with this tambla rasa, seriously, guys, I think first time I'm running out of words to actually explain to you how good this food is. This is really, because I'm also not used to a lot of Maharashtrian food and it's something very new for me. This undoubtedly has been one of my best meals of life. I have not eaten something like this so, so tasty and flavorsome on the Maharashtrian cuisine. And I'm really out of words. This place really stands out. It's amazing. So guys, let me go ahead, enjoy this, finish this. And please, please, you visit this place, the Parak Hotel. The detailed Google location and the address is mentioned in the description box below. So if you're visiting this place, you can go to those details and come over and have this lovely meal. So guys, after that unbelievable, you'll not believe how much I had. I finished the mutton thali, I finished the chicken thali, and I did not want the dessert because I wanted one more glass of the sol curry, which I ordered. It's so soothing and so good for the stomach. And the best part is, even after so much, I'm not really feeling so bad about masalas or having a lot of masalas. As I said, I've had one of the best, best meals of my life. And guys, I so recommend this place. If you are in Kolhapur or you are going through Kolhapur, this is the place that you have to come, Hotel Parak, for their lovely mutton and the chicken thali, or even the veg thali, and have this lovely sol curry. So, dosto, jaisa aapne dekha, Parak restaurant, mere khayal se jo Kolhapur aata hai, jo foodie aayega, wo yahan aayega zarur, aur inko bahut bade bade awards mile hain, lekin hamari taraf se bhi aaj hum chhota sa ek certificate aur award aapko dena chahte hain, jisko specially hum bolte hain, Sandeep ji, certificate of happiness, kyunki hamara channel ye believe karta hai ki acche khane se logon mein bahut khushi milti hai. So we give a certificate of happiness. So thank you so much for spreading so much of happiness and for giving people such good food. And we will try this whole world to see it. And the more people come here, they will be happy and we will also like it. Thank you. Thank you so much. So guys, I hope you like this video. We are at Parak. And after this lovely meal, we plan to move ahead to yet another amazing place
for some lovely cuisine. So if you like this video, please give me a thumbs up. If you've not liked the video, still go ahead and watch our other channel videos. If you subscribe to our channel, thank you so much, and please give me your feedback. If you have not subscribed to the channel, please go ahead and do it now. And please keep pouring in your feedbacks and your love for us. Our target is to cover some best culinary places and take it to the world how and what we can offer. So till the next time, this is Sarthak Chandra. Enjoy yourself, have fun, live life, enjoy food, and ciao.